सुबह सुबह उठ के मैं सीर कौरमा बना रही हूँ। और ये देखिए सेवई, ये देखिए सेवई है, ये मोटा सेवई है, इसका ज़्यादा अच्छा लगता है सीर कौरमा बना के खाने के लिए। और ये दूध है, दूध को मैं उबाल रही हूँ। और इधर ड्राई फ्रूट है, ड्राई फ्रूट को भून रही हूँ। तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैं सीर कौरमा बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हबी गए हैं नमाज़ पढ़ने, ईदगाह गए हैं, वहाँ से आके वो सेवई खाएंगे। तो हम लोग का जो मुस्लिम में है तो सेवई तो मस्ट है, सबसे पहले सेवई खाया जाता है। तो उसी के लिए मैं बना रही हूँ सेवई, सीर कौरमा बना लूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ब्लॉग में बने रहिए। देखिए गाइस, मेरा सीर कौरमा बन के बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने डाइनिंग टेबल पे डेकोरेशन कर दिया है और अच्छे से मैंने तैयार कर दिया है। अब जो जो आएंगे उसे मैं खिलाते जाऊंगी। इधर देखिए गाइस, ये है शिवामी सेवई, इसको भी मैंने डेकोरेट कर दिया है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और इधर सीर कौरमा है, और इधर शिवामी सेवई है। तो दो तरह का सेवई मैंने बना लिया है। अब लच्छा जो खाएगा तो लच्छा बनाऊंगी, खाएगा तो बनाऊंगी, नहीं खाएगा तो नहीं। अब चाट का और दही बड़ा का इंतजाम करना है मुझे। देखिए गाइस, मैंने सलाद रेडी कर दिया है, इसी का मैं चाट और ये बनाऊंगी दही बड़ा, ये चाट में मिलाऊंगी। मैंने टमाटर, मूली, खीरा और प्याज को कटिंग कर दिया है और बारीक काट लिया है, बारीक काटने से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये सब मैं चाट के लिए बनाई हूँ। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। माँ क्या क्या बनाई है, लेके आई? वाह, अच्छा, रोटी, रमक रोटी, सादा रोटी। कौन बनाई? तुम बनाई थी? आज बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह। अच्छा, और इधर रोजा रेडी हो गई है, हम लोग अभी रेडी नहीं हुए हैं, अभी सुबह से हम लोग तैयारी ही कर रहे हैं। गला मिलो दोनों, ईद मुबारक। ईद में अगर गले नहीं मिले तो बेकार। अभी तो हम रेडी नहीं हुए हैं ना, एकदम अच्छी लग रही हो, बहुत प्यारी लग रही हो। हाँ, हम बोले ना कि ऐसे ही ड्रेस पहना करना, पतली लगोगी। ठीक है, अच्छी लग रही हो। दिखाते हैं, ये नियामत लेके आई, नमक रोटी, सादा रोटी, ये पुआ ना, गुलगुल्ला, गुलगुल्ला, लंबा लंबा गुलगुल्ला है जी, ये गुलगुल्ला है। नियामत लेके आई है, नियामत बहुत अच्छा है, टेस्ट करके बताऊंगी कैसा हुआ है। हम बता, अच्छा तुम बता लो, बता दो टेस्ट करके। इधर मत रखो, इधर रख दो। हाँ, तुम बनाई थी खाला, हाँ अच्छी लग रही है। तुम्हारा भाभी का तो नहीं लेना है, ना वीडियो लेना है, ना फोटो लेना है। अरे यार, इसमें तो सब ही लेना था हमको। और दूसरा इसमें ले लो सेवई, फिर धो के फिर लाके रख दो यहाँ पे बर्तन। ओके, तुम भी खाओ थोड़ा, चलो टेस्ट करो, उठा के लो ना सेवई, लो ये लच्छा, लो उठा खा लो ना थोड़ा सा, मुख दे थोड़ा, लच्छा खाओ, लच्छा चम्मच दे थोड़ा, ये ले लो इसमें। हाँ लो खा, टेस्ट करो कैसा है। और इसका आप लोग वीडियो को खराब करते हैं हर वक्त, उनको अच्छा नहीं लगता है। कैसा है रोजा, टेस्ट करके बताओ। रोजा इस ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और ये क्या कहता है, तो देखिए गाइस, मैंने नाश्ता का आइटम पूरा रेडी कर लिया है। ये देखिए धनिया का चटनी, ये देखिए चाट बनाने के लिए जीरा का पाउडर, मिर्ची पाउडर, ये दही बड़ा का बड़ा, और ये सलाद, ये सब मैंने रेडी कर दिया है। ये दही, कैसे हो आप
आप सब स्वागत है आप सबको रौनक ब्लॉग 786 में। आज है ईद का दिन, आज देखिए आज कुकिंग को लेके आया है, आज मेरे हबी को लेके आया। आपको सिखाया था आपका हबी सामने नहीं आता है, आज लेके आया है हबी को, आप इंट्रो दे रहे हैं। आज है ईद और हम दोनों के तरफ से आप सबको ईद बहुत 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 मुबारक हो। बोलिए आप भी कुछ बोलिए ना, बोलिए बाबा ईद मुबारक सबको। ईद मुबारक हम लोग दोनों की तरफ से और मेरी बेटी की तरफ से सबको ईद मुबारक। सुबह से अभी हम लोग को फुर्सत मिला है, देखिए 10:30 बज रहा है घड़ी में। अब हम लोग खाने के लिए बैठे हैं, नहा के पहले तो ये सब रेडी करने में हमको टाइम लग गया। अभी लंच बनानी है, लंच में क्या बनाऊंगी अभी, अपनी पुलाव बनाऊंगी कि पुलाव गोश्त बनाऊंगी अभी डिसाइड नहीं की हूँ। तो अभी मैं देखिए क्या खा रही हूँ, देखिए सेवई और रोटी गोश्त सब खा रही हूँ। बहुत ही अम्मी है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आप लोग भी आइए खाइए, सेवई रोटी खाइए, फिर अभी सेवई बनाइए हो रोटी खाइए। और इधर बाजी बैठी है, हम दोनों को अभी फुर्सत मिला है बाजी को, हमको आप भी मिले रहो। हेलो ईद मुबारक। पहला मैं भाई दिस हां जब गोश्त ले लिस से देखो इसको, ये भी खा रही है हम लोग का आपने बिजारी सारा रोजा थी जा गोश्त लेके आओ उसमें। तो गाइस अब खाने के बाद मिलते हैं, अब कौन कौन आ रहा है देखते हैं, तो जो आएगा सबको देते जाएंगे खिलाते जाएंगे। बाजी को खांसी हो रहा है, कोई नाम कर रहा है बाजी का। तो ब्लॉग में बने रहिए, फिर मिलते हैं। पहले वो सब दो बिना दे, चटनी ऊपर देता है, पहले ये सब देता है आंटी, चटनी सब ऊपर देता है, ये सब देता है, सब सब थोड़ा थोड़ा दे दो, उसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं पड़ोसी के घर घूमने के लिए, तो सोचे के सबसे पहले हम लोग पड़ोसी के घर घूम के आए, फिर पड़ोसी सब सामने आएंगे हम लोग के घर। तो तुम्हारे पाला बोलो ना, पाला तो छोटो, पाला तो छोटो दो एला पीना दी तो मैं और मेरे बाजी हम लोग दोनों जा रहे हैं पड़ोसी में घूमने, और थोड़ा सा घूम के आते हैं, सबसे ईद मिल के आते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। आप लोग देखिए कहाँ कहाँ जा रहे हैं। हम लोग पहले जाएंगे मेरे, सबसे पहले मैंने जो मेरे पास में है उस पड़ोसी के घर गए, फिर मेरे समधी समधिन भी लगती है क्योंकि इनका बड़ी बेटी को मैंने वकील दिया है, इस हिसाब से ये लोग मेरे समधी समधे लगते हैं। तो सबसे पहले मैंने इन्हीं लोगों के घर जा रही हो क्या? नहीं जा नहीं रहे अभी तो मेकअप नहीं की हो। कपड़ा कर गपला कर गपला होते लीछे ना गले में रोजा में क्या फूफी के घर मुलाकात हो जाएगा। अरे वाह, माशाल्लाह थोड़ा
इसको लिंक करो। सलाम कर दो हादी बाबू, सलाम कर दो। ईद मुबारक, ईद मुबारक। गले तुम मिल लो, बच्चा से सब ड्रेस पहनते हैं, प्यारा लगता है। नानी से गले मिल लो, गले मिलो, गले मिलो। कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह बाबू, मजा लग जाएगा। अपना ही नजर ज्यादा लगता है बच्चे को, मतलब आवाज ठंडा लगता है। आंटी इसके बाद मैं दूसरे पड़ोसी के घर गई, फिर ये लोग भी मेरा समधी समधी लगते हैं, क्योंकि ये जो लड़का मेरे साथ गला मिला है, ये मेरा सबसे बड़ा नाती है। इसका भी बड़ी बेटी को मैंने उकील दिया है, तो उस हिसाब से ये भी मेरा नाती है, क्योंकि उनका ये बड़ा नाती है और सबसे बड़ा है नाती मेरा भी, सबसे बड़ा नाती है। इत्तेफाक से तुमसे मुलाकात हो गई, चलो बहुत अच्छा है। या खूब बोल छे, खूब गप करो चाचा, ना यार गप कर दी नाती के साथ है। मैं और दो पड़ोसी के घर भी गई थी, लेकिन वहाँ पे मैं शूट नहीं की थी। उसके बाद घर आ गई, और घर आने के बाद ये मेरे घर पहला गेस्ट आया, ये पड़ोसी का बच्चा है सब, और बहुत अच्छी है बच्ची सब, मुझे आंटी करके कहती है, और मैं भी बहुत मानती हूँ। ये लोग भी बहुत हर साल आती है तो अच्छा लगता है। अगले साल किसका शादी हो जाए कोई ठिकाना नहीं। हाँ किसका होगा, उसका होगा, इसका। अच्छा हर साल, और सुबह से मैं वेट कर रहा है तुम लोग का। हाँ नाम बताओ तो, तुम्हारा साजिया ना, और तुम्हारा अरिबा, तुम तो इसका ऑफ का बहन है ना, और तुम्हारा अरिबा खुशी। तुम दोनों तो सोनी का बेटी हो ना, और ये दोनों क्या नाम है, नादिया। तुम लोग किसका बेटी हो, जुगनू अंकल। तो ये तीनों जुगनू का ही ना। हाँ वही तो बोलते हैं, उसको हम चांदनी, सबसे बड़ी तुम हो ना, तो हम चांदनी चांदनी। बचपन में इतनी क्यूट थी मेरी एक बहन बेटी थी चांदनी नाम, उसका हम चांदनी ही नाम रख दिए थे। बहुत कुछ, अभी तो ये छोटी वाली है, ये सब देखते देखते बड़ी हो गई सब। बैठो हम, ये लोग भी रहते क्या, थोड़ा सा रुको लो, चमचा है तुम लोग के पास, किसका चमचा है तुम लोग ले लो, हर साल आती हो, इस साल हम सोच गए इस साल आएगी ही नहीं शायद। सारी बच्चियां मेरे घर नाश्ता करने के बाद सब कोई चली गई ऊपर रोजा पूरा डाला जाएगा फ्लैट देखने के लिए, और फिर फोटो वगैरह खिंचवाई, शायद फ्लैट भी देख रही थी और फोटो भी खिंचवा रही थी, और उन लोग को अच्छा लगा। वो लोग बोले कि आंटी ऊपर जाएंगे रोजा का घर देखेंगे, तो मैं बोली कि जाओ तुम लोग खुद से जाके देख के आओ। मुबारक, ईद मुबारक ऑल ऑफ यू।
यहाँ पर देखिए सुंदर सुंदर लड़कियां फ्री में ठीक है फिर आना ठीक है बहुत अच्छा लगा आई तुम लोग ठीक है बाय बाय ईद मुबारक हो अच्छा अभी नया आई नया ईद मुबारक और खुशबू को रखा है नहीं लाई अच्छा ठीक है अब आई मेरी बड़ी बाजी का बड़ी बेटी चांदनी जो हम लोग का घर का सबसे बड़ी बेटी है तो वो आई दामाद आए उनका दो बच्चे हैं एक बेटा एक बेटी वो लोग भी आए बहुत अच्छा लगा बहुत मज़ा आया और वो लोग आई तो और भी अच्छा लगा बाबू ईद मुबारक बाबू रोने का मुंह बना रहा है वो अभी दोना दोना उसका दाना को दोना आवाज बैठ गई है आपका बहुत आस्ता निकल रही है आस्ता आवाज निकल रही है चला गया पापा के पास अभी देखो ना अभी पहचानता है नहीं 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 लाना है ना आप लोग इधर घूमने चले तुम ईद मुबारक बोल दो कैसा लगा आज आज कैसा ईद रहा तुम्हारा गुस्से में सब लोग चांदनी लोग जा रही है सबके घर घूमेगा ना देना है हाँ इसको ज्यादा देना है सारा आना बाबू चांदनी लोग आई थी ये लोग निकल रही है अब मेरे नाना दे लोग से जाके मिलते हैं वो लोग आई है अब वो लोग से जाके मिलते हैं ये लोग के जाने के बाद फिर मेरी ननद आई और उसका जो बेटी है वो लोग आई थे ननद के और भी बच्चे थे मेरा और भी भाभी सब थी भांजी सब सबको आई थी और सबको हम लोग मिल के एक साथ बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे बातें कर रहे थे फिर ये लोग को भी मैं नाश्ता कराई कुछ नहीं हो गए नहीं ये कलर अच्छा लग रहा है ग्रीन कलर है मेहंदी कलर मेरा फेवरेट कलर है अच्छा लग रहा है अरे सोना एक मेरा फ्रेंड पूछी है सोनू जो ड्रेस पहनी थी कहाँ से ली हो बता दो तो पता चल जाएगा कहाँ से ली थी बता दो अच्छा सुन लो दिल्ली का है पूछ रही थी कि सोनू जो लिया है तो कहाँ से ली थी उसको पसंद आ गया था अभी कर लेंगे खत्म अभी सब बोलोगा अरे देखा भी कर लीजिए भर भर खाओ खाना देते हैं खाना देते हैं लताई नहीं करेगा लताई नहीं करेगा इतना नज़दीक से क्यों लेती हो जूम करके मुंह तो जिसका
छोटा मुंह है उसका तो जूम करके, जिसका बड़ा मुंह है उसका ढूंढते हो। मेरा ले ली दो पास से। छोटा मुंह हम मेरे रूम के पास से, मेरे पास से भी लेने से मोटा नहीं आता है जैसे मेरा। तुझे भी कल लो अगर कोई इधर तुम लोग खा लो, तुम्हारी मम्मी को उधर दो। जमीन के इंसान है ये, जमीन जमीन से जुड़ी हुई इंसान। काट लेती है जहाँ अच्छा लगेगा वहीं। ये बाजी है मेरी पड़ोसी यार, इसकी बेटी है। हम लोग सब कोई पड़ोसी हैं। उस वक्त गए आपके घर और आके हम सोच रहे थे अल्लाह बाजी के घर इतना कुछ नाश्ता था, और ये आके बोलते जा रही है वो क्या खाई थी, बहुत टेस्टी था। बोले भाभी आप खाई नहीं, बहुत टेस्टी था। इसको बहुत टेस्ट लगा। इधर मेरी आंटी है वो आई है। इधर लोग बच्चा पार्टी लोग सब तो बच्चा। हाँ थोड़ा दही बना लीजिए, दिखा दो तुम्हार लग, तुम्हार बेटी लग दिखाई दो। हम लोग तो उसके उससे जेते भी जा रहे हैं, खाते भी जा रहे हैं, खाना के रूप बड़े एक आवाज़ नहीं निकल गई है, वो प्रॉब्लम हो रहा है, ताकत लग रहा है बोलने में। आप निकली उसके बाद उनके बच्चा सब आपके पड़ोसी में वो लोग के घर गए थे ना। सुना बहुत सुंदर लग रही है, हम ठीक लग रहे हैं, तुम भी ठीक लग रही हो। रमनी तुम लोग गप करो ना। कब की जन हम लोग इसके दो दिन का हम लोग का भी है। अकेले भी रहेंगे तो बेटर है, कपड़ा हम भी लाके दिखाई जब तक बंद हां और लगते हैं हां अच्छा लगता है। तो मतलब पानी है तो कपड़ा भी करेंगे इधर, इसमें भी हम लोग कराएंगे वीडियो कैमरा के लिए क्या नहीं ग्राफ नहीं है वीडियो। अब मेरी जो की बेटी है वो आई, और उसकी छोटी बहन वो भी आई, और उसकी भाभी वो भी आई। तो लोग सबको मेरी बेटी से मिल रही थी, सबको गले मिल रहे थे, सबको ईदी मिल रहे थे, और ये सब देख के और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। दामाद भी आए थे, तो दामाद हॉल रूम में बैठे थे। तो आप लोग देख ही सकते हो मेरे ब्लॉग के जरिए, सब कुछ देख पाओगे। बाबू को क्यों नहीं लेकर आए, तो है और गुड़िया बजी गुड़िया जी कॉन्ग्रेचुलेशन। सलामुअलैकुम, ईद मुबारक भैया। सलामुअलैकुम हम तो ठाकुरगंज में हैं जी। वकील बेटी और दामाद जाने के बाद मेरी सहेली आई और जीजू आए, और ये मेरे बेस्ट फ्रेंड है। तो आए ये लोग भी, ये लोग के साथ भी बातचीत किए, और बहुत अच्छा लग रहा था। सबको मिलने आ रहा था, ईदी मिलने आ रहा था, तो बहुत मज़ा आया ईद के दिन।
कितने लोग थे वहाँ मेहंदी लगा रहे हैं? अच्छा था, मेहंदी नहीं, कसई था। कसई, लेकिन ये तो बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। पहले शादी में तो पता नहीं चलता कब कसई हो रहा है, कब या तो एक एक फंक्शन होता है, अब तो पहले से चालू हो जाता है। आपको तो सिले नहीं बाकी ड्रेस कोड होता है। हाँ वो नहीं, वो तो मेहंदी और हल्दी में पहले जमाने में कहाँ इतना क्या कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता था। आपको आपको बाकायदा ड्रेस कोड करके और सबसे आखिर में जो गेस्ट आए मेरे घर वो है मेरे बड़े वाले जीजू, मेरी बड़ी बाजी, उनका बेटा, उनका बेटी, और ये लोग सबसे आखिरी में आए।